हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से आप सभी का आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। दोस्तों, एक भी शेयर मत बेचना। आज मैं बात करूँगा ऐसे दो शेयर के बारे में जो स्टॉक्स हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। एक स्टॉक तो हमें मोर देन 50% का गेन दे रहा है और एक स्टॉक में आप तेजी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो दूसरा स्टॉक है हमने आपको हाल फिलहाल के दिनों में ही सजेस्ट किया था और पर्सनली ये स्टॉक मैंने भी बाय करके होल्ड करा हुआ है 464 रुपये के लेवल्स पे। एंड ये स्टॉक में ये खबर निकल के आती थी कि स्टॉक में आपको 58 रुपये का डिविडेंड मिल सकता है, तो मैंने इसको डिविडेंड के लिए तो बाय किया ही किया है, लेकिन मेरा एक सेटअप भी स्टॉक में बन रहा था जो सेटअप मुझे ये बोल रहा है कि स्टॉक को आप डिविडेंड के लिए भी बाय करो और साथ में आपको ये स्टॉक 10 से 15% का गेन भी देके जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो दिखाता हूँ मैं स्टॉक का नाम, अगर आपने अभी तक नाम को नहीं समझ पाए हो मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उस स्टॉक की जो हमें 50% का गेन दे रहा है मात्र कुछ ही महीनों के अंदर, राइट। और ये एक इंफ्रा स्टॉक है। जैसे आपको पता है इंफ्रा स्टॉक्स के लिए बजट में काफ़ी अच्छे प्रपोजल आए थे और वो प्रपोजल अब इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है, तो आप बोल सकते हो इस वजह से भी आज स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है। तो दिखाता हूँ स्टॉक का नाम लेट ना करते हुए, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए वीडियो KNR कंस्ट्रक्शन। ये स्टॉक हमने आपको 192 रुपये, 190 रुपये, 200 रुपये के लेवल्स पर लगातार अपडेट किया था। ये 213 रुपये प्राइस आप चेक कर सकते हो, फरवरी के महीने का प्राइस है। अभी जो स्टॉक का प्राइस ट्रेड करते हो आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हो ये रहा। स्टॉक में आज मोर देन 3% की तेजी हमें देखने को मिल जाती है, राइट। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस स्टॉक को KNR कंस्ट्रक्शन 308 रुपये का ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने देख सकते हो हमें 47% का गेन दिया और मुझे खुद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 58% का गेन दिया है। तो मैंने अभी तक स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा हुआ और मैंने आपको 101,000 बार बोला है ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है। बिलीव मी, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ठीक है। लगातार आपको 192 रुपये, 200 रुपये के लेवल से अपडेट कर रहा हूँ, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। मानो ना मानो एक मल्टी बैगर स्टॉक ये बनेगा। उसका रीजन जिनको नहीं पता ये मल्टी बैगर क्यों बनेगा, दोबारा आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इस चैनल में हर रोज नए लोग भी आते हैं तो उनको नहीं पता चल पाता कि मैं क्या बातें करता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ ये स्टॉक मल्टी बैगर क्यों बनेगा। इस स्टॉक के मल्टी बैगर बनने का सबसे पहला कारण जो निकल के आता है वो ये है, ये स्टॉक एक ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक है। देखिए 2013 के आसपास स्टॉक 6 रुपये ट्रेड किया करता था और आज जो प्राइस है 307 रुपये। एंड दोस्तों ये स्टॉक बता दूं आपको 307 रुपये इसका प्राइस नहीं है, इसका प्राइस 600 रुपये है, क्योंकि स्टॉक ने 2021 के फरवरी के आसपास आपको बोनस दिया था। तो जो कंपनी आपको कभी बोनस देती है तो उसका प्राइस आधा हो जाता है, 1:1 का इसने बोनस दिया था। तो आप बोल सकते हो जो अभी आपको प्राइस यहाँ दिख रहा है ये आप डबल कर दीजिए, ये अभी जो प्राइस होगा 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। रियल वैल्यू स्टॉक की 600 रुपये है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करो, देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट। अब बात करते हैं स्टॉक मल्टी बैगर क्यों बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है, ठीक है, देख सकते हो कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स के साथ आ रही है, ठीक है। मैं सीधा प्रॉफिट तो आपको दिखा देता हूँ, ये 112 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी एक बार, ये देख सकते हो 112 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, ठीक है। ये जून 2021 का प्रॉफिट है। बात करते हैं आपका सिक्योरिटी पैटर्न, ठीक है। सिक्योरिटी पैटर्न देखिए 53% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा लगा, विश्वास है। साथ में देखिए दोस्तों DIS का पैसा, मतलब हमारे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी जो पहली चॉइस निकल के आती है स्टॉक, वो निकल के आता है हीरा KNR कंस्ट्रक्शन। 34% के आसपास की होल्डिंग निकल देखने को मिल जाती है हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की, मतलब जो FIIs होते हैं उनकी होल्डिंग तो 2% है, लेकिन जो DIIs है घरेलू निवेशक, उनकी होल्डिंग स्टॉक में ऑलमोस्ट 34% के आसपास देखने को मिल जाती है। और स्टॉक में ये अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब स्टॉक फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, इसलिए अपनी होल्डिंग लगातार ये स्टॉक में बढ़ा रहे हैं। तो भाई डेफिनेटली इस स्टॉक को आप नजरों में रखो, बार बार आपको कह रहा हूँ, जब भी आपको स्टॉक में डिप मिले, 285 रुपये के लेवल्स में आपको बोला था, जब भी आपको डिप मिले स्टॉक को बाय करके चलना, ये स्टॉक डेफिनेटली आपको मल्टी बैगर रिटर्न देके जा सकता है। देखिए स्टॉक को जब भी डिप मिलता है, ये देखिए ये डिप आया ऊपर गया, डिप आया ऊपर गया, अब दोबारा डिप आएगा, स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हो। अब बढ़ते हमारे अगले स्टॉक के, जिसका नाम है तो जो दूसरा स्टॉक हमारा है भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, मतलब BPCL। आज स्टॉक में 2% की तेजी हमें देखने को मिली है, 468 रुपये ट्रेड कर रहा है। एंड स्टॉक में आपको पता है 58 रुपये के आसपास का डिविडेंड इसने देने का ऐलान किया है। जो डिविडेंड की डेट है वो बहुत जल्द आई थिंक अलाउ हो चुकी है, 16 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 16 सितंबर के आसपास की इसकी एक्स डेट निकल के आती है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल ने इसका जो टारगेट दिया 615 रुपये का टारगेट दिया है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप 615 रुपये के टारगेट का इंतजार करो, मैं तो स्टॉक में खुद 550 और 520 रुपये के टारगेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और मेरा जो स्टॉक में स्टॉप लॉस निकल के आता है, मेरा स्टॉक का स्टॉप लॉस था आपका, मैं आपको दिखाया था चार्ट के माध्यम से, और मैंने स्टॉक में कहाँ एंट्री करी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो मेरी जो एवरेज स्टॉक में निकल के आती है आपके सामने,
मेरी स्टॉक में जो एवरेज क्वेश्चन निकल कर 464 रुपये के आसपास निकल के देखने को मिल जाती है। साथ में अभी जो प्राइस चेक कर रहा है आपके सामने राइट, और देखिए मुझे अभी स्टॉक में इतना रिटर्न आ रहा है मात्र, और स्टॉक का जो मेरा स्टॉप लॉस था मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये स्टॉक हमने आपको यहाँ का सजेस्ट किया था एंड यहाँ स्टॉक ने एक डिप लगाया 428 रुपये का, जो मेरा स्टॉक का स्टॉप लॉस था। आप देख सकते हो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था मेरा जो स्टॉक का स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस निकल के आता है अगर स्टॉक आपका 450 रुपये के नीचे चले जाता है तो, मतलब 450 का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये 437 रुपये 440 रुपये के आसपास ये हमारा स्टॉप लॉस था। दोस्तों देखिए ये तो अभी तक स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और इससे पहले ही स्टॉक में एक बड़ा बाउंस देखने को आपको मिल गया। ये स्टॉक ऑलरेडी 448 रुपये के सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और लगातार आपका ऊपर जा रहा है। दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही जैसे स्टॉक अपना ये रजिस्ट्रेशन ब्रेक करेगा 470 रुपये का, इस स्टॉक में बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक का ये जो रजिस्ट्रेंस है देख सकते हो लगातार 3 बार से टेस्ट किया है, अब बहुत जल्दी इसको ब्रेक करने वाला है। जैसे इसके बाद एक क्लोज कैंडल क्लोज करेगा स्टॉक में बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाएगी, जो स्टॉक को आराम से आपके देख सकते हो ये जो टारगेट आपको दिख रहे आराम से आपको 495 रुपये के टारगेट ये स्टॉक आपको दिखा देगा। आपको यही बोलूंगा अगर आपने स्टॉक को अभी तक बाय नहीं किया है तो लेट ना करते हुए स्टॉक में आप कुछ ना कुछ पैसा लगा सकते हो, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा गेन ये स्टॉक देके जा सकता है राइट। तो डेफिनेटली आप स्टॉक को भी नजरों में रख सकते हो। अगर बात करते हैं आज स्टॉक में कैसा काम का जो एनएससी में, तो देख लेते हैं आज 26 अगस्त 2021 है एंड दोस्तों आप देख सकते हो 60 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई इंट्राडे में, उसमें से आपका 20 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए, 34% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिल जाता है बीपीसीएल शेयर में। अगर बात करते हैं केना कंस्ट्रक्शन की स्टॉक में कैसा हुआ है तो आप उसका भी एक बार देख लो कि केना कंस्ट्रक्शन में कैसा काम था जहाँ स्टॉक में देखने को हमें मिला है। आप देख सकते हो एरा ऑलमोस्ट 21 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई है 21 लाख एंड आप क्लियरली देख सकते हो काफी अच्छा नंबर है, मतलब लोग घर लेके जा रहे हैं स्टॉक को, 5 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए, 23% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिलता है जो काफी कम है। आई नो काफी कम है लेकिन फिर भी दोस्तों 5 लाख क्वांटिटी काफी अच्छी होती है। अगर 300 रुपये का स्टॉक है और अगर 5 लाख की क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो कि 15 लाख या ऑलमोस्ट 150 करोड़ या 150 करोड़ के आसपास का वैल्यू फिगर बनता है राइट। और आप देख सकते हो कि स्टॉक का जो प्राइस है ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस बात को भी आप नोटिस करना कि जो स्टॉक का प्राइस है आपका केनार कंस्ट्रक्शन का ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हैं समझ जाओ या तो स्टॉक बहुत ऊपर जाते हैं या बहुत गड्ढे में आते हैं। तो मेरा तो विचार यही कहता है कि स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत जल्द आपको 350 रुपये और 400 रुपये के टारगेट केनार कंस्ट्रक्शन शेयर दिखा सकता है राइट। अगर बात करते हैं बीपीसीएल की तो मैं आपको टारगेट बता चुका हूँ, 550 रुपये के मेरे बीपीसीएल शेयर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 16 सितंबर तक अगर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप 16 सितंबर तक स्टॉक को होल्ड करना, अगर मुझे 16 सितंबर से पहले मेरे टारगेट अचीव होते हुए दिख जाएंगे तो मैं स्टॉक से शायद एग्जिट कर लूंगा, मैं डिविडेंड के लिए इंतजार नहीं करूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या लगता है आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो कि आप बीपीसीएल शेयर को क्यों बाय कर रहे हो और क्यों आपने स्टॉक को बाय किया है और कितने टारगेट आप इंतजार करने की सोच रहे हो बीपीसीएल शेयर में।